इस साल असम में 5 चरणों में आई बाढ़ ने डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान के लाइकाद अध्यांचल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। बाढ़ के बाद ब्रह्मपुत्र में हो रहे भूकटाव ने लाइकाद अध्यांचल के कई बीघा जमीन को अपने में समा लिया है। भूकटाव ने इलाके के एक पमुआ सरकारी प्राथमिक विद्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया है। नदी में हो रहे कटाव के कारण इलाके के लोगों में खौफ का माहौल है। स्थानीय लोगों ने ब्रह्मपुत्र में हो रहे कटाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। पानी बढ़ा लगे लगे हमारे यहाँ बहुत असुविधा आ पड़े। हमारे खेती पथार आछे, गोरु मह आछे, छागली आछे, गाहरी आछे, এই সম্পত্তিবোৰ লোকচান হয়, খেতি লোকচান হয়। সেয়ে মানে আমাৰ মানে কিবা বহুত ফালৰ পৰা অসুবিধা আহি পৰে। বৰ্তমান মানে সোমাবলগীয়া হৈছে, গৰাক অহাৰ পিছত যদি চৰকাৰে আমাক ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি বাধ্যতামূলক আমি ইলিগেল কামবোৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰিজাৰ্ভত আমি সোমাব লাগিব, নহ'লে মানুহবোৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ উপায় নাই।